किसी भी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उस सोसाइटी में उसे कुछ अपने तौर तरीके होते हैं जिनको वो फॉलो करता है, ठीक है। कुछ समाज किसी समाज में कोई किसी ट्रेडिशन को फॉलो करता होगा, कोई किसी ट्रेडिशन को फॉलो करता होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर गर्ल्स को मतलब बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं दी जाती है, मतलब फिर भी आजकल काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, बट वहाँ क्या था, गर्ल्स को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, क्योंकि उनका जो सोसाइटी थी उसका मानना जो था यही था कि गर्ल्स जो होती है बॉयज के पीछे होती है, जस्ट लाइक दिस। ऐसे अगर हम बात करें जो हमारे पिछड़े राज्य हैं, बहुत सारे जो हमारे पिछड़े राज्य हैं उनमें आज भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो उनका क्या है, उनका अपना ट्रेडिशन है, उनकी अलग सोसाइटी है, उनका अलग समाज है, वो उसी चीज़ को फॉलो करता है कि गर्ल्स जो होती है बॉयज के पीछे होती है। कुछ और स्टीरियोटाइप्स आज भी समाज में मौजूद है, उनको सही या गलत कहना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि क्योंकि जो वाकई में गलत चीज़ें होती हैं वो उनको कानून वगैरह की हेल्प से फिर सॉल्व कर दिया जाता है। बट हम लोगों का ये बोलना सही नहीं है, क्योंकि जो हमें लगता है कि हमारे लिए सही नहीं है हो सकता है वो उनके लिए सही हो, और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें गलत ही हैं, मतलब बहुत चीज़ें सही भी होती हैं। तो ऐसे कुछ भी बोलना ठीक नहीं है कि इस वाले समाज में ये चीज़ें गलत हैं या इस वाले में ये चीज़ें गलत हैं। अगर हम साउथ की साइड जाएंगे तो मुंबई का अगर हम ट्रेडिशन देखते हैं तो वो लोग वेस्टर्न वियर होते हैं सारे, मतलब अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं। तो अगर वो यहाँ पे इस सोसाइटी में हमारी सोसाइटी में आके ऐसे पहनने लगे तो हम लोगों को लगेगा कि मतलब बहुत अजीब है, बट उनकी सोसाइटी के लिए वो सही है। सेम हमारी सोसाइटी के लोग अगर वहाँ पर जाएंगे तो उनको वहाँ की सोसाइटी के लोगों को लगेगा कि पता नहीं कैसे वियर अप हो रहे हैं, अजीब से दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे कुछ भी कहना सही या गलत नहीं है कि ये वाली सोसाइटी गलत है, ये वाली सोसाइटी सही है। जिस भी सोसाइटी में कुछ जो भी सोसाइटी होती है उसके अपने नियम कायदे कानून होते ही, ठीक है। तो ऐसे हम कुछ नहीं बोल सकते कि ये वाली सोसाइटी सही है और ये वाली गलत है। तो कोई भी सोसाइटी होती है उसके, कोई भी समाज होता है उसके अपने नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, तौर तरीके होते हैं, उसके अपने वैल्यूज होती हैं, मूल्य होते हैं उसके अपने खुद के। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते कि ये वाली सोसाइटी सही है और ये वाली गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर क्लियरली डिमार्केट्स द डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर इन डिफरेंट सोसाइटी कॉन्सेप्ट्स। मतलब डिमार्केट्स मतलब होता है दर्शाना, जो हर एक संस्कृति का अपना अलग नजरिया होता है चीजों को देखने का। डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि समाज के तरीके से हर समाज का, हर संस्कृति का अपना एक नजरिया होगा देखने का, दर्शाने का चीज़ों को, अपने ट्रेडिशंस को दर्शाने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग वे होता है। अगर हम ये अभी सोशलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं सिर्फ आपको एक बेसिक चीज़ें बता रही हूँ जिससे आप सोसाइटी को, समाज की चीज़ों को थोड़ा समझ सके, आपके दिमाग में वो चीज़ें थोड़ी बैठ सके, ठीक है। तो अब अगर सोशलाइजेशन की बात करें तो अभी आप इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो मैंने आपको अभी बताया। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। समाजीकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ, समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण होता है जो हमारे सोसाइटी के, मैंने भी आपको बताया कि हर सोसाइटी के अपने अलग नियम कायदे कानून तौर तरीके उसके अलग होते हैं, उसके अलग मूल्य होते हैं, उसकी अलग नीतियाँ होती हैं हर एक सोसाइटी। तो जो उनकी नीति होती है, जो उसके मूल्य होते हैं, वो अडेप्ट करने की जो प्रोसेस होती है, मतलब आंतरिक बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, सोशलाइजेशन बोलते हैं, उसको हम समाजीकरण बोलते हैं। समाजीकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है। आंतरिक बनाने की प्रक्रिया मतलब अपने आप में उन चीज़ों को आत्मसात करने की जो प्रोसेस है वो क्या है, हमारा समाजीकरण, सोशलाइजेशन कहलाती है। इंटरनलाइजिंग मतलब जो सोसाइटी के तौर तरीके हैं, नियम हैं, कायदे कानून हैं, उन्हें अपने अंदर आंतरिक बनाने की, मतलब उन्हें अडेप्ट करने की, उन्हें आत्मसात करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, सोशलाइजेशन।
एडेप्टेशन मतलब आत्मसात, एडेप्टेशन मतलब आत्मसात, अपने अंदर उन चीजों को आत्मसात करने की प्रोसेस, मतलब उन चीजों को देख के उन चीजों के प्रति ऐसे ही रेस्पॉन्स करना, ऐसे ही बिहेव करना उसके जैसा। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो जब बाहर जाएगा तो वो देखेगा कि अलग अलग चीजें उसको देखने के लिए मिलेंगी। इवन वो जब खेलने जाता है छोटा बच्चा, तो उसके फ्रेंड्स भी खेल रहे होते हैं, अब वो अपने किसी फ्रेंड से कुछ सीखेगा, किसी फ्रेंड से कुछ सीखेगा, तो जो ओवरऑल उसकी प्रोसेस हुई, मतलब उसने किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखा, बच्चे ने किसी ना किसी अपने फ्रेंड से कुछ ना कुछ सीखा। इवन अगर किसी बच्चे को खेल रहा है, उसकी मम्मी आती है, उसकी मम्मी अपने बच्चे से बात कर रही है, तो वो उस चीज को भी, उस प्रोसेस को भी देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है वो बच्चा, और उन चीजों को क्या कर रहा है, सीख रहा है। जैसे बच्चे आपस में बात करते हैं, अगर वो दो अलग अलग लोग कोई बात करते हैं देख रहा है बच्चा, तो उनसे भी वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है, उसको अपने अंदर आत्मसात कर रहा है बच्चा। तो वो जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, सोशलाइजेशन होती है। वो प्रोसेस क्या कहलाएगी हमारी, सोशलाइजेशन कहलाएगी, ठीक है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग, अडैप्टिंग और एसिमिलेटिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी, उसके मानदंडों और विचारधाराओं को आत्मसात, आंतरिक बनाने की जो प्रोसेस होगी हमारी, वो क्या कहलाएगी हमारी, सोशलाइजेशन कहलाएगी। जो भी किसी समाज के नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, उनको आत्मसात करने की प्रोसेस, उनको आंतरिक बनाने की जो प्रोसेस होगी, जो प्रक्रिया होगी, वो क्या कहलाएगी हमारी, वो हमारी कहलाएगी समाजीकरण। जब हम बाहर जाएंगे, चार लोगों से मिलेंगे, उनके उनको ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, ठीक। तो बहुत सारी चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे और उनको आत्मसात जब हम करेंगे, उनके बारे में थिंक करेंगे और रेस्पॉन्स करेंगे उनके प्रति, वो जो प्रोसेस होगी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी समाजीकरण, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसके एक और डेफिनेशन है, वो देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की, देखते हैं। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सेप्टेशंस ऑफ सोशल सिस्टम, मतलब समाजीकरण सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। मैंने भी बताया कि हर समाज के अपने अलग मूल्य होते हैं, अपने अलग कायदे और कानून होते हैं। तो समाजीकरण की क्या प्रक्रिया है, उन मूल्यों को, उन विश्वासों को, उन अपेक्षाओं को, हर एक समाज हर व्यक्ति से कुछ अपेक्षाएं रखता है। वो चाहता, हर समाज चाहता है कि हमारे जो समाज में व्यक्ति रहे वो हमारे समाज की तरह बिहेव करे, हमारे ट्रेडिशंस को फॉलो करे, अलग से कुछ भी ना करे, ठीक। तो वो चाहते हैं कि उनके मूल्यों को, विश्वासों को और अपेक्षाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण कहलाती है। जिस समाज में कोई व्यक्ति रहता है, उस समाज के मूल्यों को, विश्वासों को और उसकी अपेक्षाओं को, जो अपेक्षाएं समाज ने उससे लगाई हुई है, उनकी अपेक्षाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है हमारी, क्या कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है। अब ऐसे तो है नहीं है कि मनुष्य अकेला रहकर खुश हो जाए, मनुष्य को क्या चाहिए, परिवार चाहिए, लोग चाहिए। अगर एक इंसान को अलग कमरे में बंद कर दिया जाए, भले ही उसके पास सब कुछ वहाँ अवेलेबल कर दिया जाए, सब कुछ वहाँ अवेलेबल कर दिया जाए, बुक्स, क्लोज, उसकी जरूरत की सारी चीज़ें उसके पास हो, फिर भी इंसान को क्या चाहिए, लोग चाहिए बात करने के लिए, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए, इंसान को समाज चाहिए, व्यक्ति को क्या चाहिए होता है, समाज चाहिए होता है बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए उसे समाज चाहिए होता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए उसे कोई ना कोई चाहिए होता है। मनुष्य क्या चाहता है कि हमारे पास कोई ना कोई रहे जिससे हम बात कर सकें, जिससे हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें, ठीक है। तो जो वो प्रोसेस होती है दूसरों से बात करने की, उस समाज के मूल्यों को, विश्वासों को, अपेक्षाओं को अपने अंदर आत्मसात करने की, इंटरनलाइज करने की जो प्रोसेस होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। अरस्तू ने बोला है कि मैन इज अ सोशल बीइंग, अरस्तू ने बोला मैन इज ए सोशल बीइंग, सोशल बीइंग। ये किसने बोला है, ये अरस्तू ने बोला कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, एक सामाजिक प्राणी है। इसका मतलब क्या होगा, सामाजिक प्राणी का मतलब हुआ कि वो समाज में रहना उसको पसंद है, समाज में व्यक्ति रहना चाहता है, समाज के तौर तरीकों को, कायदे कानून को फॉलो करके वो उस समाज में रहना।
रहना चाहता है, उसकी तरह बिहेव करना चाहता है, क्योंकि मनुष्य को अकेले रहना नहीं पसंद होता। वो समाज में रहकर समाज की तरह बिहेव करता है। जैसे क्या है, मैन इज अ सोशल बीइंग, वो एक इसलिए सामाजिक प्राणी है। समझ में आ गया, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल सिस्टम। जो समाज की विश्वास होते हैं, मूल्य होते हैं, उनकी अपेक्षाएं होती हैं व्यक्ति से, उसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहेंगे हम, सोशलाइजेशन बोलेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सोशलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशलाइजेशन हमारा किस चीज में हेल्पफुल होता है। देखो, सोशलाइजेशन हमारा किस चीज में हेल्पफुल होगा, कोऑपरेशन, सहयोग, कोऑपरेशन, सहयोग। हमारा समाजीकरण हमें क्या सिखाता है, समाजीकरण से हम कोऑपरेट करना सीखते हैं। जब हम 10 लोगों के साथ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा ना कि सिर्फ हम अपनी अपनी चलाएं, वहां पर हम उनकी बातें भी सुनेंगे। ठीक, अपनी अपनी बातें तो नहीं बताएंगे हम, तो उनकी बातें भी सुनेंगे, उनकी बातों पर रेस्पॉन्स भी करेंगे। वो कुछ नई बात बता रहा है तो हम उसे सीखेंगे भी, सुनेंगे भी ध्यान से। तो क्या करते, ये हमें क्या सिखाता है, सहयोग करना सिखाता है। हम क्या कर रहे हैं, वहाँ सहयोग कर रहे हैं, अपने आप अलग अलग नहीं बोल रहे, सिर्फ अपना व्यू हम नहीं दे रहे, उनका व्यू भी हम सुन रहे हैं, उनकी बातें भी हम सुन रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है, टीम वर्क सिखाता है, क्या सिखाता है, समूह कार्य सिखाता है। सोशलाइजेशन से हम सीखते हैं कि समूह में कार्य कैसे करना है, एक साथ मिलकर हम कैसे कार्य कर सकते हैं, ये सब हमें कौन सिखा, किस समझ आता है। सोशलाइजेशन की प्रोसेस से हमें ये सब चीज़ें पता चलती है, समझ में आता है। जब हम एक ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी बातें सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक, उनका आकलन कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमारा सोशलाइजेशन की प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। इवन जब हम किसी के पास, अपने फ्रेंड्स के पास जाते ही हैं, गए हम, तो वहीं से जो हमारी प्रोसेस होती है सोशलाइजेशन की, वो स्टार्ट हो जाती है। और ये प्रोसेस हमारी लाइफ टाइम चलती है, क्योंकि हम लाइफ टाइम नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस अगर जन्म से शुरू हो रही है तो बस वहाँ पर बस शुरू हो गई तो वहीं पर हो गई, ऐसा नहीं होगा कि लाइफ टाइम चलती रहेगी। ये प्रोसेस लाइफ टाइम हमारी चलती रहती है, क्योंकि हम अपने जीवन में किसी ना किसी से लाइफ टाइम मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, जो हमारी प्रोसेस होती है वो लाइफ टाइम चलती रहती है। तो हमें क्या सिखाती है, सहयोग करना सिखाएगी, समूह कार्य करना सिखाएगी, ग्रुप में वर्क कैसे कर सकते हैं, टीम वर्क सिखाती है। देखो, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और क्या सिखाएगी हमें, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता है जो समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ाई झगड़े जो होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करना सिखाएगी। ठीक है, हमारी जो प्रॉब्लम्स होगी, अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है और हम अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं तो क्या होगा, वो हमें अपने एडवाइस देंगे, उसके बाद हम उसको सोचेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो अच्छे फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, हमें इतनी अच्छी एडवाइस देते हैं कि जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो हमें क्या, समाजीकरण से क्या मिलता है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या करें कि हमारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना हमें सिखाती है। नेक्स्ट में बात करें तो इवन बहुत बार टॉलरेंस भी सिखाती है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों में से जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, उनमें से कुछ लोगों को पसंद भी आएगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पसंद नहीं आएगी, तो क्या होगा, वो अलग अलग कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये क्या सिखाएंगे, टॉलरेंस भी सिखाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हम रिएक्ट कर देंगे उनके ऊपर, या फिर अगर हम कहीं जा रहे हैं, इंसान जब मैच्योर हो जाता है, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें कोई कुछ भी बोल रहा है तो सोचेंगे कि ठीक है छोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत बार हम रिएक्ट भी कर जाते हैं और बहुत बार हम जाने भी देते हैं कि ठीक है छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा टॉलरेंस होता है। बातों को इग्नोर करना भी समाजीकरण की जो प्रोसेस होती है वो हमें सिखाती है। ठीक, तो मैंने आपको बताया क्या किस चीज़ में हेल्पफुल होती है, कोऑपरेशन में, सहयोग सिखाती है हमें कैसे सहयोग करना है। चार लोगों से मिलना है तो सिर्फ अपनी अपनी बातें नहीं कर रहे, उनकी बातें भी सुन रहे हैं, उनके आइडियाज भी सुन रहे हैं, उनकी बातों को समझ भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें सिखाएंगे टीम वर्क, एक टीम में वर्क कैसे करना है, ग्रुप में मिलके कैसे वर्क करना है, वो सब कौन सिखाएगा, समाजीकरण की प्रक्रिया हमें सिखाती है। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को, प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, ये चीज़ें भी हमें कौन सिखाएगा, कहाँ से समझ में आएंगे ये सब चीज़ें, ये हमें समाजीकरण के प्रोसेस से समझ में आएंगी, समाजीकरण से हमें समझ में आएंगी। टॉलरेंस भी होता है, मतलब बातों को बहुत बार इग्नोर करना भी सही होता है, वो
सब किससे पता चलता है? हमें समाजीकरण से पता चलता है। अब बात करते हैं ये स्टार्ट कब से होती है, समाजीकरण की जो प्रोसेस होती है स्टार्ट फ्रॉम बर्थ, ये बर्थ से ही हमारी स्टार्ट हो जाती है। बर्थ से कैसे स्टार्ट हुई देखो समझेंगे, बर्थ से कैसे स्टार्ट हुई। हम तो ये बोलते हैं कि जब हम चार लोगों के उसमें आते हैं संपर्क में आते हैं तभी हमारी सोशलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अरे पर जब बच्चा बर्थ लेगा तब भी तो वो चार लोगों के संपर्क में आ रहा है, अपने पेरेंट्स के संपर्क में आ रहा है, फैमिली में और मेंबर्स होंगे उसके, सिबलिंग्स होंगे उनके संपर्क में आ रहा है, तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी बर्थ से या नहीं हो जाएगी? कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस कब से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है। अगर बर्थ आ गया जन्म से तो आप सोचेंगे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तभी तो हम चार लोगों से मिलेंगे, या फिर जब हम खेलने जा रहे होंगे घर के बाहर जा रहे होंगे तभी तो मिलेंगे चार लोगों से, तो बर्थ से तो हो नहीं सकते। बट जो प्रोसेस है हमारी समाजीकरण की वो हमारी बर्थ से ही स्टार्ट होती है, ठीक है, वो हमारी बर्थ से ही स्टार्ट होती है। और चलते कहाँ तक है, स्टार्ट फ्रॉम बर्थ फिर कहाँ तक चलेगी हमारी, टिल डेथ, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक हमारी ये प्रोसेस चलती रहेगी। जब बर्थ से कैसे शुरू होगी मैंने बता दिया, जब बच्चा आएगा तो वो पेरेंट्स के संपर्क में आएगा, स्पेशली वो मदर के संपर्क में ज्यादा आएगा, तो वो कहाँ से उसका जो सोशलाइजेशन है कहाँ से स्टार्ट होगा, जब वो बर्थ लेगा सबसे पहले मदर से होगा क्योंकि वो मदर के संपर्क में बच्चा ज्यादा रहता है, उसके बाद उसके पापा फादर भी होंगे, उसके कोई भाई बहन होगा, दादा दादी होंगे, रिलेटिव भी उसके होते हैं बच्चे के, तो वो प्रोसेस उसकी वहाँ से स्टार्ट होगी। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि कौन सी स्टेज में कौन सा सोशलाइजेशन किससे होता है, उसे हम आगे बात करेंगे। अभी यहाँ तक बात होते लगता है आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो दोबारा देख लेना मुझे। तो मैंने बताया कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस हमारे बर्थ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, टिल डेथ, मृत्यु तक हमारी चलती है, क्योंकि मृत्यु तक लाइफ में बीच बीच में हम अलग अलग लोगों से मिलते रहते हैं, नई नई बातें हम सीखते रहते हैं, सामने वाले की बातें सीखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है हमारी समाजीकरण की प्रोसेस जो होती है प्रक्रिया चलती रहती है, हमारी निरंतर चलती रहेगी, नहीं समाजीकरण की प्रोसेस हमारी निरंतर चलती रहेगी, ये एक जगह पर आके रुकती नहीं, बर्थ से स्टार्ट होकर डेथ तक जाती है। विकास के बारे में मैंने आपको यही बताया था कि वोम टू टूम चलता है, गर्भ से कब्र तक चलता है, वोम टू टूम चलेगा। पर यहाँ पर देखो अब हमने बोला है ना बर्थ से चल रहा है, जन्म से चल रहा है, ठीक है, अब हमें ना गर्भ की बात नहीं, यहाँ हमने गर्भ की बात नहीं की, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि गर्भ में बच्चे का समाजीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हमें नहीं पता। अगर विकास की बात करते हैं तो विकास का हमें पता था कि जो बच्चे का विकास है वो माँ के गर्भ में भी होता है, पर हमें यह नहीं पता कि उसका समाजीकरण वहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा, इसलिए हम समाजीकरण की जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं कि बर्थ से कहाँ तक चलती है, हमारी मृत्यु तक चलती है। विकास जो था हमारा, विकास हमारा गर्भ से कब्र तक चल रहा था, माँ के गर्भ से मृत्यु तक हमारा विकास चल रहा था, लेकिन सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है, समाजीकरण की जो प्रोसेस है, बर्थ से हमारी डेथ तक चलती है, क्योंकि समाजीकरण हमारा तभी होता है जब हम दूसरों के संपर्क में आते हैं, चाहे वो हम एक्टिवली आ रहे हैं या फिर नॉन एक्टिवली आ रहे हैं, मतलब सक्रिय रूप से आ रहे हैं या निष्क्रिय रूप से आ रहे हैं, पर हमारी जो समाजीकरण की प्रोसेस, अगर हम किसी भी चीज़ के संपर्क में आते हैं, किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो चलती रहती है। इवन जो अगर हम रीडिंग ऑफ बुक्स भी करते हैं तो भी हमारी समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अब बुक से कैसे चल रही है, बुक से जो बुक में लिखा हुआ है हम उसको क्या करते हैं, समझ रहे हैं, उन चीज़ों को हम आत्मसात कर रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों को हम समझ के आत्मसात कर रहे हैं, इंटरनलाइज कर रहे हैं, आंतरिक रूप को बना रहे हैं, तो क्या होगा हमारी समाजीकरण की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी, वहाँ पर भी चलती रहेगी। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो क्या होगी, डायरेक्टली हमारा सोशलाइजेशन होना होगा, पर अगर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं या फिर इवन न्यूज़पेपर वगैरह हम रीडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारी समाजीकरण की जो प्रोसेस होती है वो चलती रहती है, पर वहाँ क्या होगा, वो निष्क्रिय रूप से चल रही होगी, क्योंकि सिर्फ हम अकेले ही हैं और हम उन चीज़ों को पढ़ के आत्मसात कर रहे हैं, वहाँ पे निष्क्रिय रूप से चलती रहेगी, पर चलती वहाँ पर रहेगी। और अगर दूसरी साइड हम चार लोगों से मिलकर बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इवन पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, बाहर स्कूल में जाके बात कर रहे हैं, पीयर ग्रुप से बात कर रहे हैं, साथी समूह से बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी एक्टिव रूप से चलती रहेगी, ठीक। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, समाजीकरण के हमारे गुण क्या होते हैं।
की बात करते हैं। तो देखो सामाजिक न्याय की प्रोसेस मैंने बताया कि हमारे कहाँ से चलती है, बर्थ से स्टार्ट होती है और डेथ तक चलती है, रुकती नहीं है कभी भी, क्या है लगातार हमारे चलती रहे क्या, पर ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब हो सकता है कि हमारा एक टाइम पे समाजीकरण थोड़ा कम हो रहा है, एक टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है कि एक टाइम पे हम थोड़ा कम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम पे जो हमारा समाजीकरण है वो थोड़ा कम हो रहा है, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। तो पर ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, एक लीनियर फॉर्म में नहीं होगा कि हाँ बिल्कुल स्टैटिक फॉर्म में हमारा नहीं होगा कि बिल्कुल समान चल रही है प्रोसेस, ऊपर नीचे हमारी हो सकती है, रेट स्लो और डाउन हो सकता है सोशलाइजेशन का, जैसे मैंने विकास में आपको बताया था कि विकास का जो हमारा रेट है वो स्लो और डाउन हो सकता है, मतलब अप एंड डाउन हो सकता है, वैसे ही हमारा सोशलाइजेशन का जो रेट है वो अप एंड डाउन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर निरंतर प्रोसेस चल रही है तो एक ही रेट से चलेगी, समान रेट से नहीं चलेगी, कोई ज़रूरी नहीं, पर चलती लगातार जो प्रोसेस होती है वो होती सतत है, सतत प्रक्रिया हमारी है, होती है हमारी क्या होगी, सतत प्रक्रिया होगी, सतत प्रक्रिया, सोशलाइजेशन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ से बताया मैंने आपको, जो हमारा बर्थ होता है हमारे जन्म से हमारी मृत्यु तक ये लगातार चलता रहता है, ये प्रक्रिया लगातार हमारी चलती रहेगी, क्योंकि आप ये हमारी सतत प्रक्रिया होती है, सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार ये हमारी प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इट टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, अब दोनों उसको क्या बनता है, फॉर्मली और इनफॉर्मली, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से, औपचारिक और अनौपचारिक, अब किसकी बात समझते हैं, औपचारिक में क्या आ जाएगा, औपचारिक में आ जाएगा हमारा स्कूल, जैसे स्कूल होता है, या फिर अगर हम किसी सेमिनार वगैरह में जा रहे हैं, सेमिनार हो गए, डिबेट्स हो गई, हमारी डिबेट्स हो गई, सेमिनार हो गई एक्सेट्रा, जितनी भी ये चीज़ें होंगी हमारी, ये सब किस में आएंगे, फॉर्मल में आएंगे, मतलब इनमें हम एक कायदे कानून से, मतलब एक तौर तरीके से हम जाके इन चीज़ों को सीख रहे हैं, इन चीज़ों की, इन चीज़ों का समाजीकरण हमारा एक कायदे कानून एक डिसिप्लिन में होगा, डिसिप्लिन, ऐसा नहीं है ना स्कूल में जाकर हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता, एक बिल्कुल तौर तरीके से हम स्कूल में रहते हैं, उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, पूरा डिसिप्लिन हम फॉलो करते हैं, स्कूल में जाके हो गया, सेमिनार्स में हो गया, डिबेट्स में हो गया, शांति बनाए रखते हैं, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कोई इधर उधर कचरा नहीं डालना, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो क्या होगा वो एक फॉर्मल सोशलाइजेशन होगा क्या हो रहा होगा हमारा फॉर्मल सोशलाइजेशन, औपचारिक तरीके से हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है वहाँ पर, कुछ होता है अनौपचारिक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से जैसे फैमिली में हो गया, अनौपचारिक तरीके से कैसे हो रहा होगा, जैसे फैमिली में हो गया, फैमिली में अपनी मर्जी से रहते हैं ना, अपनी मर्जी से उठते हैं बैठते हैं, अपनी मर्जी से खाते हैं, कैसे भी रहते हैं फैमिली में, वो हो गया हमारा फैमिली से, एक हो गया हमारा पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप से, पीयर ग्रुप मतलब साथी समूह, साथी समूह, साथी समूह, ये हो गया हमारा साथी समूह, फ्रेंड्स में भी पूरे चिल्ड आउट मूड में रहते हैं, फ्रेंड्स में भी मतलब जो मन करता है बोल देते हैं अपने फ्रेंड से, बट ऐसा फॉर्मल तरीके से ऐसा नहीं होता, डिबेट्स वगैरह में अगर हम जा रहे हैं तो हमें एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ उनके डिसिप्लिन होते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, तब वहाँ पर बैठना है, एक शांतिपूर्ण तरीके से हम वहाँ पर बैठेंगे, बट अनौपचारिक में क्या है, सोशलाइजेशन तो यहाँ भी हो रहा है ना, और सोशलाइजेशन यहाँ भी हो रहा है, पहले यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, पर जो हमारा सोशलाइजेशन है वो तो यहाँ पर भी हो रहा है, क्योंकि जब हम डिबेट्स में जाते हैं बहुत नई नई चीज़ें हम सीखते हैं, बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी नई नई बातें हमें पता चलती हैं, सेमिनार्स में जा रहे हैं तो पूरी प्रोसेस हो रही है हमारी, स्कूल्स में जा रहे हैं तो पूरी सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्कूल में तो सीखने के लिए, क्या होगा हमारा जो समाजीकरण है वो तो यहाँ भी हो रहा है, बट एक प्रॉपर तरीके से हो रहा है, एक प्रॉपर वे में हो रहा है, प्रॉपर तरीके से हो रहा है, प्रॉपर वे में हो रहा है, ठीक है, एक रूल और रेगुलेशन के साथ, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होता है, कुछ कायदे होते हैं, कानून होते हैं स्कूल में, या फिर इवन आप किसी ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ वहाँ पर रहना पड़ता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा फॉलो करना पड़ता है, तो क्या होता है ये फॉर्मल तरीके से हो रहा है,
ये हमारे औपचारिक तरीके से होगा, और अनौपचारिक में तो हमारी फैमिली आ गई, रिलेटिव्स आ रहा है, सिबलिंग्स आ रहा है, सिबलिंग्स के साथ जब हम खेल रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं तो हमारे सिबलिंग्स आ रहे हैं, ये सब रिश्तेदार आ गए, हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं, ये सब इन चीज़ों हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है, फैमिली से, पीयर ग्रुप से, सिबलिंग्स से, रिलेटिव से, कजन से, सिबलिंग्स ऐसे कजनसी होते हैं, तो इनसे जो हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है, इनसे हमारा सोशलाइजेशन कैसा हो रहा है, एक मस्ती मजाक हो रहा है, मतलब फुल चिल्ड आउट हो रहा है, हम अपनी मर्जी से बातें कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कैसे भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं फैमिली में, तो ये होता है, ये अनौपचारिक तरीके से होता है, कुछ फॉर्मल नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है सर स्कूल में पूरी प्रॉपर ड्रेस में जाना है, पूरा गियरअप होकर जाना है यूनिफॉर्म में, तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे तो हम कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, तो ये जो होता है ये अनौपचारिक तरीके से होता है, सोशलाइजेशन तो यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, पर यहाँ एक प्रॉपर वे में हो रहा है, फॉर्मल में एक प्रॉपर वे में हो रहा है, औपचारिकता में एक पूरा प्रॉपर तरीका है, स्कूल यूनिफॉर्म में जाएंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, स्ट्रेट लाइन में जाना है क्लास में, और क्लास में शोर नहीं करना, कीप साइलेंस, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है स्कूल में, बहुत सारे रूल्स होते हैं, नेल्स के लिए नेल्स लंबे नहीं करेंगे हम, और पूरा प्रॉपर हेयर्स को पूरा प्रॉपर तरीके से रखेंगे, बहुत बड़े होने चाहिए बॉयज़ के, और जो गर्ल्स होती हैं उनको ऐसे पूरा ओपन अप हेयर्स में बहुत कुछ होते हैं वहाँ नहीं जाने देते, तो उनके अलग रूल्स होते हैं स्कूल्स में भी, इसमें ना आपको सोसाइटी में बताया कि सोसाइटी में हर समाज का एक नियम होता है, कायदा होता है, कानून होता है, उसके ट्रेडिशन होते हैं जो फॉलो करने ही होते हैं, ऐसे ही स्कूल में होता है, बहुत स्कूल्स में गर्ल्स के लिए ओपन हेयर्स मतलब अलाउड है, बट बहुत स्कूल होते हैं वहाँ पे ओपन हेयर्स अलाउड नहीं है, लेकिन पोनीटेल्स आर नॉट अलाउड, उनको पूरा ऐसे बांध के जैसे चोटी वगैरह पूरा ऐसे बांध के जाना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे रिबन वगैरह डाल के जाना पड़ता है कुछ स्कूल्स में, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे, क्या हो रहा है स्कूल में फॉर्मल तरीके से सोशलाइजेशन हो रहा है, समाजीकरण एक औपचारिक तरीके से हो रहा है, भाई दूसरी तरफ जो है वहाँ पे फैमिली पीयर ग्रुप के साथ साथ ही समूह के साथ तो मजे में पूरे चिल्ड आउट मोड में, और सोशलाइजेशन हमारा वहाँ भी होगा, तो क्या होता है ये दो तरीके से होगा, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी, जैसे हमारी एजुकेशन होती है वो जरूरी नहीं होता एजुकेशन सिर्फ स्कूल में ही हो, एजुकेशन हमारे फैमिली से भी स्टार्ट होती है, पीयर ग्रुप से भी स्टार्ट होती है, वो भी सेम प्रोसेस है, एजुकेशन का भी सेम होता है, बट स्कूल में क्या होता है प्रॉपर तरीके से बैठ के हम लोग पढ़ रहे होते हैं, एजुकेशन को गेन कर रहे होते हैं, थिंग्स को एडेप्ट कर रहे होते हैं, बट उसमें क्या होता है अनौपचारिक में इनफॉर्मल में हम ऐसे ही बातें वहाँ भी हम लोग सीख रहे होते हैं, एजुकेशन का मतलब बेसिकली कुकिश लैंग्वेज को आंतरिक बनाना नहीं है, कुकिश लैंग्वेज को इंटरनलाइज करना नहीं होता है, एजुकेशन का मतलब होता है चीज़ों को समझना, चीज़ों को सीखना, उनको आत्मसात करना, तो सेम प्रोसेस उसका यहाँ भी होता है, फैमिली से बहुत चीज़ें हम सीखते हैं, स्पेशली मदर से, बच्चा जो बच्चे की जो पहली शिक्षा होती है वो उसकी माँ से होती है, बच्चा अपनी माँ से पहले सीखता है, उसकी माँ कैसी लैंग्वेज का यूज़ कर रही है, उसकी माँ क्या क्या चीज़ें कर रही है, बच्चे का माँ का बच्चे पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो माँ का होगा बच्चे पर, तो जो छोटी एज होती है, फिर बाद में पीयर ग्रुप्स का आ जाता है, टीचर्स का आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये मैंने आपको बता दें कि जो हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस है फॉर्मली और इनफॉर्मली हमारा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकल्केट्स बेसिक डिसिप्लिन, ये बेसिक डिसिप्लिन हमें सिखाता है, सोशलाइजेशन जो होता है वो हमें बेसिक नियम बताता है, बेसिक कायदे बताता है, कानून बताता है, हमें किस तरीके से एक समाज में रहना चाहिए, वो सब हमें कौन बताएगा, हमें सोशलाइजेशन ही बताता है, ठीक है, एक समाज की रीतियों को, उसकी ट्रेडिशंस को, उसके कल्चर को, संस्कृति को वो कैसे फॉलो करना चाहिए, ये सब हमें किससे पता चलता है, उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया से पता चलता है, ठीक, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं समझ में आएंगे तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे की बात कल करेंगे, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे टाइप्स हो गए सोशलाइजेशन के, हमारे दो टाइप्स होते हैं सोशलाइजेशन के, एंड हमारी स्टेजेस हो गए कि कौन सी स्टेज में सोशलाइजेशन किससे होता है, जैसे मतलब अगर हम इन्फेंसी की बात करते हैं तो इन्फेंसी में मैंने भी बताया जब छोटा बच्चा होता है उसके ऊपर क्या होता है माँ का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, तो जो इन्फेंसी की स्टेज होती है उसमें जो समाजीकरण सबसे ज़्यादा होता है वो किससे होता है मदर से होता है,
फैमिली से होता है। तो ये हमारी सारी अभी स्टेजेस पढ़ने बाकी रह गई है एंड और एक दो चीज़ें और है इसमें, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बात अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।